अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब और इंडिया में इतना बड़ा अंतर आप देख सकते हो। यानी कि इस साइड में ये खजूर की खेती है, ये देखिए आप देख सकते हो काफ़ी दूर तक है। और यहाँ पर ये एक छोटी सी रोड है और उसके आगे भी एक छोटी सी रोड है। फिर यहाँ पर क्या है आप देखिए कि इतना बड़ा गड्ढा बनाया गया है। अब ये गड्ढा क्यों बनाया गया है कि अगर कोई आए भी बाई चांस कोई आए यहाँ पर खजूर तोड़ने के लिए या कुछ भी यहाँ करने के लिए, तो यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा बनाया गया, उसके बाद तार भी बनाया गया है, मतलब तार लगाया गया है। और देखिए फिर उसके नीचे गड्ढा बना हुआ है, यानी कि अगर कोई चाहेगा भी तो इसके ऊपर से नहीं जा सकता है किसी भी तरह से। यहाँ पर देख सकते हो तो इस तरह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है बाकी देशों से और सऊदी अरब से। दोस्तों ये काफ़ी बड़ा मजरा है, इसमें ज़्यादातर खजूर की खेती होती है और इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम भी है जो पानी से सींचा जाता है। हम आपको दिखाते हैं, देखिए और आगे भी बहुत सारी खेती होती है यहाँ पर। ये देखिए टीन रखा हुआ है और भी बहुत सारा सामान है, खजूर की खेती है और इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए आगे अलखर्ज है, यानी कि एक शहर है। ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर है। और इस साइड में आप देख सकते हो ये बिजली का बड़ा वाला तार है और इसके साथ दूसरी भी बिजली लग रही है साथ में। ये भी इसमें तार वार नहीं लगा हुआ, ये देख सकते हो इधर में धूप है लेकिन इधर दिख रहा है। और एक तीसरी लाइन भी है। इसके अलावा यहाँ पर पूरा मैदान है, ये देखिए। और सामने वो जो बिल्डिंग दिख रही है हम वहाँ से आए हैं, अभी दोबारा रिटर्न जाएंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर सिस्टम है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बदला हुआ सिस्टम है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक छोटी सी गली है, वो कितनी चौड़ी है, इसमें पूरे एक दो ट्रक आ जा सकते हैं। मैदान है, बगल में सब खेती के लिए दिया गया है, गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन कोई खेती अभी कर नहीं रहा है। इस साइड में खेती हो रही है, कुछ लोगों ने अपनी सुविधा के लिए सब कुछ किया है और उसके बाद में खेती भी करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से खजूर की खेती होती है। बहुत काफ़ी बड़ा फॉर्म है, इसमें लोग काम भी करते होंगे अंदर में। अब अंदर नहीं जा सकते हैं, अगर अंदर जाएंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। बाकी जैसे ही इस तरह का कोई भी मजरा दिखेगा आने वाले समय में, अगर मजरा में एंट्री करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि मजरा के अंदर क्या सिस्टम कैसे होता है। अंदर में घर बना हुआ है, हमें दिखाई दे रहा है, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये देखिए ये यहाँ पर बना हुआ है घर।